नमस्कार दोस्तों, मैं आर्किटेक्ट नीतीश आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्च बाइट्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखेंगे एक बड़े प्लॉट साइज़ को जो कि है 60 फीट बाय 120 फीट का, जिसमें से जो रोड है वो 120 फीट की तरफ आ रही है। ये गाइस बेसिकली एक डिटैच्ड हाउस है, विच मीन्स कि इसके चारों तरफ हमने सेटबैक्स प्रोवाइड करे हैं प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, जहाँ से प्रॉपर जो सन की लाइट है वो आ जाएगी, एयर की सर्कुलेशन अच्छे से यहाँ पर बन सकती है। एक बड़ा प्लॉट साइज़ है जिसमें से कवर्ड एरिया वो काफ़ी कम है, बट बाकी का जितना एरिया है वो ग्रीनरी और इन सब चीज़ों में यूज़ किया गया है। और ये इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं, आप चाहें तो एक बार इसे भी गो थ्रू कर सकते हैं, जहाँ पर हमने एरिया के साथ साथ एक इसका एस्टिमेटेड प्राइस भी बताया हुआ है। प्राइस जो होता है वो एस्टिमेटेड होता है, बिकॉज ये बेसिकली स्पेसिफिकेशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की स्पेसिफिकेशंस यूज़ कर रहे हैं, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शंस क्या रहने वाली हैं घर की, ये उन पर प्राइस जो है वो वेरी करता है। टोटल आपको यहाँ पर 5 बेडरूम देखने को मिलेंगे, जिसमें से 2 जो है वो ग्राउंड पर है और बाकी 3 फर्स्ट पर आ जाएंगे। इसके एलिवेशन को हमने ट्रेडिशनल लुक दिया हुआ है, आप क्लासिक लुक कह सकते हैं, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट की तरफ का जो स्पेस है ये सेटबैक मिलता है, जो कि है 10 फुट 9 इंच का। और इसके फ्रंट की तरफ हम बात करें तो काफ़ी बड़ा सा यार्ड हमने यहाँ बनाया है, जो कि है 58 फीट 6 इंचज़ बाय 48 फीट 6 इंचज़ का। लेंथ वाइज ऑलमोस्ट 50 फीट का भी स्पेस कह सकते हैं, जिसके अंदर आपको सिक्योरिटी एरिया, टॉयलेट और एक बेडरूम मिलता है फॉर दी ड्राइवर एंड दी गार्ड। काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ आगे गार्डनिंग के लिए मिलता है, जहाँ पर आप प्ले एरिया बना सकते हैं, किचन गार्डन्स बना सकते हैं। हमने यहाँ पर एक गजीबो भी दिया हुआ है वाटर फाउंटेन के साथ। ये इसका राइट की तरफ का सेटबैक है, इसको भी मैं पूरा गो थ्रू करूँगा आगे की तरफ जब हम आगे चलेंगे। सो ये इसका पोर्टिको एरिया है, जो कि है 24 फीट 7 बाय 15 फीट का। और इसी के साथ ही आपको यहाँ पर मिलता है ऑफिस एरिया, जो कि है 10 फुट 9 बाय 14 फुट 2 इंच का। एक्सटर्नली कनेक्टेड है ये ऑफिस, बिकॉज गेट से बिल्कुल यहाँ पर कनेक्टिविटी होती है। तो यहाँ से बाहर चलें तो हम चलते हैं मेन डोर की तरफ। ये है इसका एंट्रेंस फॉयर एरिया, जो कि है 10 फुट 9 बाय 12 फुट 1.5 इंच का। इसी के साथ आगे चलते आपको मिलता है इसका बड़ा सा ड्रॉइंग एरिया, जो कि है 24 फुट 7 बाय 19 फुट 9 इंच का। काफ़ी बड़ा स्पेस है ये ओपन, आपको बहुत ग्रैंड फील होता है जब आप यहाँ पर आते हैं। इसी में ही आपको एक सर्कुलेशन का कुछ स्पेस मिलता है, जहाँ से कनेक्टिविटी होती है डाइनिंग एरिया की, जो कि है 12 फुट 2 बाय 12 फुट का। डाइनिंग के साथ ही यहाँ पर आपको क्लोज्ड किचन मिलता है एज पर रिक्वायरमेंट, जो कि है 11 फुट 2 बाय 10 फुट 8 इंच का। किचन से बाहर चलें तो डाइनिंग के साथ भी हमने कुछ वेट एरिया दिया हुआ है, बट वो इसमें कवर नहीं होगा, आप यहाँ पर प्लानिंग में देख सकते हैं, हमने इसी में ही इंटीग्रेट कर दिए। ये है इसका पूजा एरिया, जो कि है 10 फुट बाय 6 फुट 8 इंच का। ये है इसका राइट सेटबैक, जो कि है 10 फुट 9 इंच का। यहाँ से आगे चलते हैं तो ये है इसका रियर सेटबैक, जो कि है अगेन 10 फुट 9 इंच का। आप नोटिस करेंगे तो इसका लेफ्ट, राइट और रियर तीनों ही 10 फुट 9 इंच के सेटबैक हमने प्रोवाइड करे हुए हैं। सिर्फ फ्रंट वाला जो है वो काफ़ी बड़ा सा सेटबैक हमने दिया हुआ है, बिकॉज जो कवर्ड एरिया है वो कम है कोस्ट को थोड़ा सा सेव करने के लिए। अंदर चलें तो ड्राइंग के साथ ही हमें मिलता है इसका कॉमन टॉयलेट, जो कि है 5 फुट 5 बाय 8 फुट 11 इंच का। यह है इसका फर्स्ट बेडरूम, जो कि है 13 फुट 8 इंच बाय 12 फुट 9 इंच का। और इस बेडरूम की जो वेंटिलेशन है वो राइट वाले सेटबैक से हो रही है, जहां पर हमने अभी देखा था पीछे, राइट। और इसको भी मिलता है इसका अटैच टॉयलेट, जो कि है 11 फुट 3 इंच बाय 5 फुट 5 इंच का। सेंटर से डोर है तो एक तरफ आपको वेट एरिया मिलता है, एक तरफ आपको ड्राई एरिया मिलता है। यह है इसका सेकेंड बेडरूम, जो कि है 11 फुट बाय 18 फुट 8 इंच का। और कंपैरेटिवली बड़ा स्पेस है बेडरूम के लिए, अगर हम बाकी बेडरूम से कंपेयर करेंगे तो। इसकी जो वेंटिलेशन है वो रियर वाले पोर्शन से हो रही है,
प्लस इसकी जो एक कनेक्टिविटी है वो बाहर की तरफ से हो रही है, अगर किसी को डायरेक्टली बाहर से आना है बेडरूम में तो वो आ सकता है। इसको भी मिलता है अटैच टॉयलेट जो कि है 4 फुट 6 बाय 8 फुट 2 इंच का। सो ये है इसका स्टेकेस लॉबी एरिया जो कि है 14 फुट 7 इंच का। डॉगलेट स्टेकेस हमने यहाँ पर दिया हुआ है ताकि जो स्पेस है वो कम कंज्यूम करे। सो ऊपर आते आपको मिलता है यहाँ पर एक बड़ा सा लाउंज एरिया जो कि है 29 फुट 5 बाय 18 फुट 9 इंच का। इस लाउंज के साथ ही आपको एक बड़ी सी बालकनी भी मिलती है, इसको मैं आगे जाकर दिखाऊंगा बिकॉज वो बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। और इसी लाउंज के एरिया में यहाँ पर हमने एक डाइनिंग एरिया भी दिया हुआ है, ये एक सेकेंडरी एरिया है बिकॉज मेन किचन तो आपके नीचे ही है, वहीं पर उसका डाइनिंग दिया हुआ है। आप चाहो तो इस किचन की एक तरफ पेंट्री और एक तरफ बार काउंटर बना सकते हो अपनी नीड के हिसाब से। डाइनिंग के साथ ही आपको यहाँ पर कनेक्टिविटी होती है बालकनी की जो कि है 10 फुट 9 बाय 21 फुट की। और इसी फ्लोर में हमने एक बड़ा सा टेरेस भी बनाया हुआ है जिसको हम आगे जाके देखेंगे। यहाँ से अंदर चलें तो अब देखते हैं इसके थर्ड बेडरूम को जो कि है 10 फुट 9 बाय 11 फुट 7 इंच का। आप नोटिस करेंगे तो जो रूम के स्पेसेस हैं वो बहुत बड़े नहीं हैं बिकॉज जितना स्पेस आप उसको इंक्रीज़ करते रहोगे, मीन्स जो कवर्ड एरिया है वो इंक्रीज़ होता रहेगा, तो प्राइस भी अकॉर्डिंगली वो बढ़ता रहता है। तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इसका इतना स्पेस रखा हुआ है एज पर रिक्वायरमेंट। और इस बेडरूम को भी मिलता है अटैच टॉयलेट जो कि है 6 फुट 6 बाय 7 फुट 7 इंच का। और यहाँ पर बेडरूम के साथ हमने दिया है एक जिम एरिया जो कि है 9 फुट 9 बाय 11 फुट 7 इंच का। ये बेसिकली हमने योगा और जिम एरिया दिया है, बट आप चाहो तो योगा बाहर की तरफ कर सकते हो, काफ़ी बड़ा स्पेस आपको वहाँ पर मिलता है। यहाँ से आगे चलें तो ये है इसका कवर्ड टेरेस एरिया जो कि है 37 फिट बाय 15 फिट का। आप चाहो तो इस एरिया को एज अ योगा के लिए भी यूज़ कर सकते हो बिकॉज एक तरफ बिल्कुल ओपन टू स्काई एरिया है। लाउंज के थ्रू चलते हैं इसके फोर्थ बेडरूम की तरफ जो कि है 12 फुट 4 इंच बाय 18 फुट 8 इंच का। और इसी स्पेस में आपको एक अलग से वार्डरोब का प्लेसमेंट भी मिल जाता है, प्लस इसके साथ अटैच टॉयलेट और एक अपनी इंडिपेंडेंट बालकनी भी मिलती है। सो ये है इसका अटैच टॉयलेट जो कि है 6 फुट 6 बाय 7 फुट 7 इंच का। एक तरफ जो वेट एरिया आता है, दूसरी तरफ आपको सेमी ड्राई और ड्राई एरिया मिलता है। से बाहर चलें तो ये है इसकी अपनी डेडिकेटेड बालकनी जो कि है 6 फुट 5 बाय 9 फुट 8 इंच की। कोई भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो रही है आप प्लान में यहाँ पर देख सकते हैं, हमने सब चीज़ों को यहाँ मार्किंग करी है कि इस वक्त आप किस पोजीशन में हैं। प्लस जो इसके लेआउट प्लान्स हैं उसके भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, अब वहाँ पर जाकर इसको आराम से देख सकते हैं। अब देखते हैं इसके लास्ट बेडरूम को जो कि है 12 फुट 8 बाय 13 फुट 7 इंच का। और इसी स्पेस के अंदर एक वार्डरोब का भी प्लेसमेंट आपको मिलता है, प्लस कुछ सोफ़ा की सीटिंग यहाँ पर मिल जाती है। इस बेडरूम की एक अपनी एक बालकनी है, कनेक्टेड बालकनी कह सकते हैं बिकॉज लाउंज एरिया और बेडरूम ये साथ में कनेक्टेड है। और ये है इस बेडरूम का अटैच टॉयलेट जो कि है 12 फुट 8 इंच बाय 5 फुट का। इसमें भी डोर सेंटर में है तो एक तरफ आपको शावर एरिया मिलता है, दूसरी तरफ आपको WC और बेसिन एरिया यहाँ पर मिलता है। और ये है इसकी एक बड़ी सी बालकनी जो कि है 4 फुट बाय 19 फुट की। और इसी के साथ ही यहाँ पर लाउंज एरिया की भी बालकनी आपको मिल जाती है और इसकी भी लगभग 7 फुट बाय 19 फुट की बालकनी मिल रही है। ये था गाइस इसका फर्स्ट फ्लोर जहाँ पर हमने इसके 3 बेडरूम प्रोवाइड करे थे लॉन्ग विद लाउंज एरिया, डाइनिंग एंड किचन। और अब चलते हैं इसके टेरेस की तरफ और देखते हैं ऊपर की डिज़ाइनिंग कि किस तरीके से हम चीज़ों को प्लेस किया हुआ है वहाँ पर। सो ये है इसका टेरेस एरिया जिसको हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया हुआ है। एक तरफ आपको सिटिंग एरिया मिलता है, दूसरी तरफ पैनल्स एरिया है। सिटिंग की तरफ देखें उसमें भी हमने एक तरफ झूला लगाया हुआ है। इसके बिल्कुल साथ ही यहाँ पर कुछ सिटिंग एरिया आपको मिलता है, ये टेंसाइल स्ट्रक्चर के गजीबो के साथ आपको यहाँ सिटिंग मिलती है। और दूसरी तरफ आपको कुछ वाटर फाउंटेन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सो ये था इसका एक पार्ट टेरेस का।
और अगर दूसरे पार्ट में देखें तो वहाँ पर आपको वाटर टैंक्स मिलता है और ऊपर की तरफ आप देखते हैं तो सोलर पैनल्स का यूज़ हमने किया हुआ है। सो ये था गाइस 60 फीट बाय 120 फीट के हाउस का डिज़ाइन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। प्लान के लिंक्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर इसको आराम से देख सकते हैं। वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।